दोस्तों मार्केट के अंदर थोड़े बहुत पॉजिटिव साइन दिख रहे हैं, जहाँ पर वॉल्यूम भी जनरेट हो रही है। और हम बात करते हैं ओल्ड्स कॉइन की, तो 15 से 20% तक काफ़ी टोकन ऐसे हैं जिनके अंदर पंपिंग आई है। दोस्तों मैंने परसों इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, जहाँ पर मैंने बताया था बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी कमिंग सून, जहाँ पर बिटकॉइन का रेट 19,200 रुपये के लेवल पर था और काफ़ी लोग कह रहे थे कि बिटकॉइन यहाँ से $15,000 के आसपास आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है वेल्स का, वेल्स के तरह ही आपको सोचना है कि मार्केट को कब उठाना है, कब पंप करना है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जब बिटकॉइन $50,000 से लेकर $60,000 के आसपास आया, जब एलन मस्क काफ़ी एक्टिव थे, तो बहुत से रिटेल इन्वेस्टर इसके अंदर एंटर हुए, उन्होंने करोड़ों रुपए अपने मार्केट के अंदर लगाए। बट उसके बाद से आप देखेंगे वेल्स ने पूरी मार्केट को गिरा दिया। जहाँ पर हम बात करते हैं काफ़ी लोगों के पैसा केवल 10% रह गया पोर्टफोलियो का, किसी ने 1,00,000 रुपये लगाया था, आज 10,000 की वैल्यू है। सिमम जो लोग हैं इस समय मार्केट से एग्जिट होते जा रहे हैं, तो वेल्स क्या कर रही है, मार्केट के अंदर एक रूमर फैलाया जा रहा है कि $12,000 से लेकर $15,000 के आसपास आ जाएगा और मैक्सिमम लोग इसके ऊपर बिलीव भी कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, अपनी जो पोजीशन है उसको बेचते जा रहे हैं, वो लॉस के अंदर भी बेच रहे हैं कि जब मार्केट दोबारा से गिरेगी तब वो दोबारा से बाई कर लेंगे। पर तो दोस्तों हमको साइकोलॉजी पढ़नी चाहिए वेल्स की, कि वेल्स इस समय क्या कर सकता है। देखिए मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छा रूमर फैला हुआ है कि मार्केट गिरेगी, लोग अपने जो स्टॉक्स हैं उनको काट रहे हैं, तो वेल्स लगातार बाइंग कर रही है। हम देखेंगे ग्रेस कैन ने 20,800 डॉलर के आसपास बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करी थी। तो ये सारी वेल्स हैं दोस्तों जो मार्केट को गिराती है, मार्केट को उठाती है। अभी हम बात करते हैं कि मार्केट के अंदर थोड़ी पॉजिटिविटी आई है और फ्यूचर के अंदर मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत और आपको पंपिंग यहाँ से दिख सकती है। जहाँ पर हम बात करते हैं ऐसे टोकन के बारे में जिनके अंदर सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है, जब कभी मार्केट बढ़ती है तो हमेशा वो टोकन आपको 15 से लेकर 20% इवन 50% तक बढ़ोतरी होते हुए दिख सकते हैं। तो हम आज के वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कौन से ऐसे टोकन है जो टोकन से ज़्यादा सॉफ्टवेयर है, टेक्नोलॉजी है, जिनके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो पहला जो टोकन है वो है पोलकाडोट। दोस्तों बहुत ही कम रेट में मिल रहा है, अभी $60 के आसपास आपको मिल जाएगा। एंट्री प्राइस में देखते हैं तो $4 से $6 के आसपास, $60 के आसपास आप इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। जहां कहीं भी आपको एक डिप मिलती है वहां पर उसको बाई कर सकते हैं। अब बहुत से लोग ये कहेंगे क्या यार इस समय इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो दोस्तों अपने पोर्टफोलियो का 30% जरूर कीजिएगा इस समय इन्वेस्टमेंट। मार्केट भले गिर जाए, आप 70% अपना बचा के रखें, 30% इस समय मार्केट के अंदर डाल सकते हैं, क्योंकि आज इसका रेट $60 के आसपास चल रहा है। अगर फ्यूचर में मार्केट यहाँ से बढ़ती है तो आपके अंदर कोई गिल्ट नहीं रहेगा कि यार मैंने पैसा नहीं डाला, इतने अच्छे अच्छे रेट पे हमको टोकन मिल रहे थे उस समय पैसा नहीं डाला। तो 30% अगर आपके पास 10,000 रुपये तो 3,000 रुपये आप डाल सकते हैं मार्केट के अंदर इस समय। तो टोकन है जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो है सैंडबॉक्स। सैंडबॉक्स का रेट अभी $1.2 के आसपास चल रहा है और जब मार्केट के अंदर बुलिश रैली आई थी उस समय $6 से $7 के आसपास मिल रहा था। बहुत ही शानदार टोकन है, NFT टोकन है, गेम प्ले काफ़ी शानदार है, क्योंकि काफ़ी सेलिब्रिटियों ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है। इवन एडिडास ने भी इसके अंदर प्लॉट्स खरीद रखे हैं। इसकी NFT गेम्स के ऊपर आप प्लॉट खरीदते हैं, इसमें बड़ी बड़ी कंपनियों ने प्लॉट खरीद रखे हैं वर्चुअली। तो फ्यूचर के अंदर 2024-2025 के लेवल पर जब फेसबुक एंटर करेगा मेटावर्स के अंदर, अभी उसके ऊपर काम चल रहा है, तो ये सैंडबॉक्स बहुत ही अच्छा पंप करेगा। लोग यहाँ पर ये कहेंगे यार कि ये तो बहुत हाई रेट का है, $235 तो बहुत ज़्यादा होता है, मेरे पास ₹2,000-3,000 मैं कैसे इन्वेस्ट करूं। पैसा मत देखिए, आप हमेशा परसेंटेज देखिए। अगर आप अपना जो पैसा लगा रहे हैं, मान लीजिए ₹2,000 लगा रहे हैं, तो वो कितना परसेंट ग्रोथ हुआ है। अगर आपने ₹2,000 लगाए, अगर वो 50% ग्रोथ होता है तो ₹3,000 हो जाता है। तो आप हमेशा परसेंटेज देखें, ना कि इस चीज को देखिए कि मेरे पास कितने टोकन है कितने नहीं है। आपकी इन्वेस्टमेंट का आपको कितना प्रॉफिट मिला, कितना पोर्टफोलियो बढ़ा है। पोर्टफोलियो कभी घटना नहीं चाहिए, हमेशा बढ़ना चाहिए, चाहे वो 10% हो चाहे 20%। वो है हीलियम टोकन। हीलियम टोकन का जो प्राइस है $9 के आसपास चल रहा है। दोस्तों ये एक सॉफ्टवेयर है, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो लिंक करता है आपस में लोगों को। दोस्तों इस कंपनी के हॉटस्पॉट मिलते हैं जो पूरे वर्ल्ड के अंदर लगे हुए हैं, जिससे लोग अर्निंग करते हैं। एक तरह का ऐसा नेटवर्क है जो फ्यूचर में इंटरनेट का काम करेगा। तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जहां पर $9 के आसपास का प्राइस चल रहा है। फ्यूचर में जब मार्केट पंप होगी, ये $400 से $500 के आसपास आपको दिख सकता है। अगला जो टोकन है वो है कुसामा। कुसामा का रेट $51 के आसपास चल रहा है। ये भी एक ऐसा प्रोजेक्ट है, जब मार्केट पंप हुई थी $400 के आसपास था, अभी $50 के आसपास आपको मिल रहा है। 80% तक ये डाउन है, तो फ्यूचर में इस टोकन के अंदर भी अच्छी खासी पोटेंशियल है। दोस्तों पैसा उसी टोकन के अंदर लगाइए जिसके अंदर टेक्नोलॉजी है, उसको अपने पैसे को सेफ रखना है, तो सेफ प्रोजेक्ट के अंदर ही पैसा लगाना चाहिए। अगला टोकन है वो है आवे। आवे भी एक अच्छी टेक्नोलॉजी है जिसका रेट अभी $63 के आसपास चल रहा है। मैंने इसके अंदर एंट्री ली थी $50 के आसपास, वहाँ पर एक बहुत अच्छी एंट्री मेरे को मिली थी, जहाँ पर मैंने वीडियो भी बनाई थी, आपको मैं दिखा देता हूँ। वीडियो में मैंने बताया था 19,200 के लेवल पे जब मार्केट चल रही थी, तो मैंने वहाँ पर एक कॉल दी थी कि वहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं। तो 30% मैंने बोला था उस समय कि 30% एंट्री कर सकते हैं। जिन लोगों ने 30% अपना पैसा वहाँ पर लगाया है, तो वो अच्छे खासे प्रॉफिट में है। तो दोस्तों अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है तो आप प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से एंट्री लेनी है तो आप अपने पोर्टफोलियो का 20 से लेकर 30% डाल सकते हैं, बाकी आप बचा के रखिए अगर मार्केट में डिप आती है। इन केस अगर मार्केट में डिप आती है तो आपको पहले से बिड लगा के रखनी है।
बिड के लिए आप ये वीडियो देख लीजिएगा, किस लेवल पे आपको बिड लगानी है, किन टोकन के अंदर बिड लगानी है, तो ये वीडियो जरूर देख लेना। तो दोस्तों आपको इतना करना है, केवल ये लाल बटन दिख रहा होगा इसको क्लिक करना है, सब्सक्राइब को और बेल आइकन को हिट करना है, एक वीडियो को